कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में वॉलपेपर कैसे चेंज करेंगे। तो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल सिंपल इजी इजी स्टेप बताएंगे। आपको देखना है और फॉलो करना है। वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। अगर फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड, आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ़ोन में, सेटिंग सेटिंग को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फ़ोन में, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है फोन में डिस्प्ले। तो आपको डिस्प्ले पे क्लिक कर लेना। डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। ऊपर के लिए आपको बैक होना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है फोन में वॉलपेपर, आपको वॉलपेपर पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको आपको इस प्रकार वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं। मोर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने और भी वॉलपेपर ओपन हो जाएंगे। तो आप यहाँ से अपने फोन में कोई भी वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, जो भी रखना है। अपने अकाउंट यहाँ से वॉलपेपर सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ से आपको जो भी वॉलपेपर रखना है अपने अकाउंट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आई फ्रेंड, आपको चेक कर लेना। यहाँ से आपको वॉलपेपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार आपको अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको अप्लाई पे दोबारा क्लिक कर लेना। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा होम स्क्रीन एस लॉक स्क्रीन, आपको क्लिक कर देना। तो इस प्रकार अपने फोन में वॉलपेपर चेंज करेंगे। तो आई फोन यहाँ से बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद में आपको चेक कराते हैं जो हमने वॉलपेपर चेंज किया है वो हमारे होम स्क्रीन पे सेट हो चुका है। तो इस प्रकार आप अपने फ़ोन में वॉलपेपर चेंज करेंगे। आई होप अगर आपको मैं वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, इंटरेस्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।